Today we will start exercise 20 of chapter 20, heights and distances. From ML Agarwal, for class 10 for ICS. Question number 23rd. As ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 80 मीटर टॉल लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है, उसके टॉप से देखने पर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद इट बेस आर 30 एंड 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, गिव योर आंसर टू करेक्ट। हाँ जी खुशी, इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। हाँ जी सर। ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस की हाइट दी है ना 80 मीटर, हाँ तू जी यहाँ पे सर। बैठी है, बिल्कुल टॉप पे बैठी है, तूने सेम साइड पे दो शिप्स को देखा। डिप्रेशन बोला है, बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। नेचुरली ये स्मॉलर एंगल है, ये बिगर एंगल है, ये 30 होगा, ये 40 होगा, ये 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे इस फिगर में? सर खुशी, सर एक तो वो है क्या क्या है, क्या क्या क्या? का। सी एंड डी आर द ऑब्जेक्ट्स, तूने हाँ इनको देखा ना, हमने ये फाइंड करना है। बी डी अपॉन ए बी करके बी डी की लेंथ आ जाएगी खुशी, जी बी सी अपॉन ए बी करके बी सी की लेंथ आ जाएगी बच्चे, हाँ जी सर। उसमें से ये माइनस कर दो, यू गेट द आंसर। ठीक है, तो पहले बीडी की करना है, फिर सीडी की बी सी की करना है। हाँ चाहे बीसी पहले कर ले, बीडी बाद में कर लेना, वो आप पे जी डिपेंड है। ठीक है, हाँ ठीक है। और सर एक और डाउट था, जो लाइन होगी अगर अगर डिप्रेशन है, एंगल जो है, तो जो वैसे जो इमेजिनरी लाइन बनाएंगे तो वो लाइक फेडेड करके बनानी है या फिर पूरी एक ही बनानी है। ठीक बस बेस के पैरेलल पूरी लाइन जैसे मैंने ड्रॉ किया बेटा। ठीक है सर। है, फेडेड कर दिए, फेडेड कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। और कोई बच्चे डाउट 28 तक? मैं खुद ही देख लेता हूं। एक बार 27 में मेरे को एक पूछना था। सेम इस जैसा ही है। 27th में क्या है? एक एन एरोप्लेन एट ए एल्टीट्यूड ऑफ 280 मीटर यहाँ पे जा रहा है, कितने एल्टीट्यूड का मतलब उसकी टोटल हाइट 250 मीटर है ग्राउंड से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोट ऑन द अपोजिट बैंक्स, एक इस साइड एक इस साइड, आर फाउंड टू बी 45 एंड 60। ठीक है बच्चे, ये 45 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, बी सी वी हैव टू फाइंड, बी डी अप ये 250 है बेटा, बी डी अपॉन ए डी करके बी डी की लेंथ आ जाएगी, हाँ जी सर। सी डी अपॉन ए डी करके सी डी की लेंथ आ जाएगी, दोनों ठीक है। हाँ को ऐड कर देना आंसर। जी। वो बस वो क्वेश्चन मेरे को समझ आता, बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा था। हाँ कुछ नहीं, करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जी सर। हाँ मुझे ये बताओ 20 तक सम किस किसने नहीं किए, सिर्फ वो बोलना, फर्स्ट 20 ट्वेंटी तक तक। हाँ जी करें, करें सर। कहाँ तक? 20 तक, फर्स्ट 20 सम्स ओके सर, कर लिए। किस किसने नहीं किए, मैंने सिर्फ वो पूछा है। ऑल ऑफ यू हैव डन, सबने कर लिए? यस सर। यशिका, यशिका सर मैं अच्छा 19 तक किया सर, 20 बाकी। कोई बात नहीं, एक के लिए तेरे को माफ कर दिया। यशिका तेरी कंप्यूटर क्लास नहीं थी? सर छोड़ दी अच्छा, छोड़ी सर, दी। दूसरे बैच में चले।
अच्छा दूसरे क्वेश्चन में, वेरी गुड, चलो सरसों का हो गया है। हाँ अच्छी बात है, तुम्हें उठा ही नहीं गया आज मेरे से। अब हर दिन 9 o'clock क्लास देखता होगी। हूँ मैं, +2 का मेरा सेट नहीं बैठ रहा, मैं तो थक बहुत जाता हूँ। हाँ जी सारी क्वेश्चन चीजें। नंबर, और हाँ सुबह की जी क्लास बेटा, हाँ जी बच्चे, फिर सर, सुबह की क्लास है। से बीच में कोई बोल पड़ता है। हाँ बोलो अल्फिशा, सर सुबह की क्लासेस क्यों नहीं हुई थी आज? उठा नहीं गया बेटा। चलो 29th, ए मैन 1.8 मीटर हाई, आदित्य, ये आदित्य खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है? 1.8 मीटर हाइट है इसकी। स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.6 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट है, उससे कितनी दूर है? 3.6 मीटर दूर खड़ा है। एंड कास्ट ए शेडो 5.4 मीटर लॉन्ग। देखो ये लैंप, यहाँ पे लैंप लगा हुआ, बल्ब लगा हुआ है, ये इस पे पड़ेगा तो शेडो बन जाएगी इसकी। आदित्य यहाँ पे शेडो कौन सी है? सर एक बार सर क्वेश्चन रीड कर लेने दीजिए सर। ये स्टैंड आदित्य खड़ा है, मैं फिर से तो बता देता हूँ, मैं फिगर में समझा देता हूँ। यस ये सर। तू खड़ा है, ये लैम्प पोस्ट है, यहाँ पे लैम्प लगा होगा, नीचे तो नहीं लगा होगा ना, यस यहाँ सर से इसकी लाइट पड़ी तेरे पे, ये शेडो बन गई, इट इज योर शेडो। ठीक है, फाइंड यस सर द हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट की हाइट फाइंड, ए बी वी हैव टू फाइंड हाउ वी कैन डू इट। सर। सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल्स वाला उस मेथड से सर एक सर 9th में किया था। क्योंकि इसमें एंगल तो कोई दिया नहीं हुआ, ठीक यस सर। सर ट्रायंगल ए बी ई एंड सी डी ई सिमिलर है सर। सर कुछ करते थे सर, अब याद नहीं आ रहा सर। है, 10th में किया है, सिमिलर 10th में ही है, सिमिलर 9th में नहीं है, 9th में सर कॉन्ग्रुएंट था। 9th में सर सर एक क्वेश्चन था सर ट्रिग्नोमेट्री में ही सर। सर मिड पॉइंट थ्योरम से होगा क्या? मिड पॉइंट गिवन है हमें पौरुष, सर वही तो नहीं किया है फिर तूने मिड पॉइंट कैसे लगा लिया? सर, मुझे लगा। लैंप पोस्ट की हाइट फाइंड करनी है, इसको एक्स ले लेते हैं बच्चे हम, ये हमें 5.4 गिवन है, सर लगेगी इसमें ट्रिग्नो, आदित्य एक मिनट चुप 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 चुप, आदित्य ट्रिग्नोमेट्री यस सर ही लगेगी। चलो समृद्धि बताइए, सर अगर इसमें चाहे तो ED अपॉन CD कर सकते हैं। बच्चे मुझे एक बात बताओ, AB अपॉन BE किसके इक्वल आएगा? आदित्य सर सर DC अपॉन DE मैं यार, ये पहले ये तो बता दे मुझे, टेन थीटा के इक्वल आएगा, अच्छा वही मैं बता रहा था छोटी ट्रायंगल डायरेक्टली में CD अपॉन DE किसके इक्वल आएगा? सर। टेन थीटा ही अब टेन थीटा की वैल्यू तो डिफरेंट हो नहीं सकती, क्या हो सकती है? यस सर। नो सर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। इक्वल व्हाट इज ए बी? एक्स, बी ई 9, हमने फाइंड किया था, देखो दोनों का एडिशन करके, सी डी 1.8, डी ई 5.4, एक्स इज 1.8 इंटू 9 अपॉन 5.4, थ्री से पॉइंट कैंसिल इज आंसर, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट इज 3 मीटर। 3 मीटर समझ गए बच्चे? यस सर। किससे पूछना? अनिका, अनिका क्वेश्चन यस नंबर 30th, यस सर
आज माशा नहीं आई है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग कहां से? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस। अब अनिका जाके बैठ गई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप पे। अच्छा सर ये वाला क्वेश्चन न्यू बुक में नहीं है। नई बुक में नहीं है? यस सर। नई बुक निकाल लेता हूँ मैं, 1 मिनट। एक रुक जाओ, नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देख लो आप। इसके टॉप से, अनिका आप इसके टॉप पे बैठे हो, इसके टॉप से आपने इसके टॉप का और बॉटम का एंगल देखा, कौन सा? डिप्रेशन। तो बेस के पैरेलल लाइन, यहां से भी बेस के पैरेलल लाइन, नेचुरली ये 30 होगा और ये 45 होगा, यस और नो? यस सर। नेमिंग अपनी तरफ से कर दो कुछ भी, पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई। हमें 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ये गिवन है। एक तो हमने AC फाइंड करना है, इसको मैं X ले लेता हूँ। एक हमने CD फाइंड करना है, Y ले लेता हूँ। क्या करें अनिका? तो हम पहले एंगल लेंगे, एंगल एडीसी। चलो लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया। अब बता, हाउ वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई? अनिका ये कितना यस है, सर। 8 है सर। क्या BC कितना आ हम जाएगा, ये फाइंड कर सकते हैं? ये 8 होगा। ये कितना है वाई, ये भी कितना हो जाएगा वाई, ये ए भी कितना रह जाएगा, ए भी तो कुछ तो एक्स ये होगा 8। x-8 ना। यस सर। अब अनिका यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही हैं आपको, यस सर। दोनों में कॉमन साइड है कोई? सर नहीं है, नहीं है। बट इक्वल है। यस सर। इक्वल कौन है सी? सर। वाई है ना। यस मैंने जब समझाया था सेकंड फंडा, तब अनिका मैंने यही बताया था ना, कॉमन साइड और इक्वल साइड, कॉमन नहीं है तो इक्वल होगी, यहाँ वाई इक्वल है ना, तो यहां से वाई अपॉन एक्स माइनस 8 कॉट 30। कॉट 30 की वैल्यू रूट 3 होती है, रूट 3 एक्स माइनस 8 फर्स्ट इक्वेशन। बड़ी ट्रायंगल में वाई अपॉन एक्स कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, वाई इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी, रूट 3 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स। मल्टीप्लाई करो, रूट 3 एक्स माइनस एक्स माइनस 8 रूट 3, उस साइड जाके प्लस 8 रूट 3 हो जाएगा, एक्स कॉमन, रूट 3 माइनस 1 8 रूट 3, यहां से एक्स 8√3 अपॉन रूट 3-1, क्रॉस करो, रूट 3+1 से ऊपर, रूट 3+1 से नीचे। ठीक है बच्चे, आया समझ? 8 3 24 + 8√3 अपॉन 3-1 2, तो ऊपर से कॉमन ले लो, या हाँ 8 ही कॉमन ले लो, 3 + √3 अपॉन 2, 2 से 4, क्योंकि वैल्यू फिल करनी पड़ेगी हमें, 1.732। यू कैन सॉल्व दिस, हो जाएगा यस एक्स की सर। वैल्यू यहाँ पे वाई के इक्वल है, वो भी सेम आ जाएगा। ओके
यस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। मौली, क्या नाम, मोगली रख देते हैं मौली की जगह, है ना, मौली सेठ, यस सर मौली रख दिया तेरा आज से नाम, ठीक है मौगली। मौगली किसने बुलाया नहीं तेरे को आज तक? नो सर चलो आज से तेरा नया नामकरण कर दिया मैंने, मोगली। हाँ जी। ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर किसके ऊपर फिक्स है? टावर के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, रूट थ्री की वैल्यू भी लेंगे। सबसे पहले फिगर, ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर बना दिया, इसके ऊपर एक पोल खड़ा है, कितनी उसकी हाइट दी है? 5 मीटर। यहां तक ए बी इज द पोल, बी सी इज द टावर। अब क्या लिखा है उन्होंने, यहाँ ए मत लो, यहाँ पी ले लो, क्योंकि ए उन्होंने ग्राउंड पे बोल दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल, ये वाला एंगल हमें 60 दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट ए, ए पॉइंट का कहां से? बी से, ये एंगल हमें 45 दिया, तो ये भी 45 हो जाएगा। ऐसे फिगर बनेगी बच्चे, ठीक ठीक है मोगली? है सर हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर को हम क्या ले लें? एक्स ले लें। दो राइट ओके एंगल मैम ट्रायंगल दिख रही है आपको, कौन यस सर कौन सी? सर ए सी पी एंड हाँ, ए सी बी, सर बी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन साइड सर ए सी कॉमन ना, साइड एसी है ना, यस ये सर दोनों में से वाई फाइंड कर लोगे, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन फाइव यस प्लस एक्स कर लोगे, सम हो जाएगा। यस सर यस सर बाकी उसे बच्चे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, आराध्या, अल्फीशा, निका, रोश, यस सर यस सर यस भार्गवी, सर यस सर, क्वेश्चन नंबर यस 32। वैसे तो खुद करने वाले हैं, कोई ऐसा सम है ही नहीं जो ना हो पाए। थर्टी तो कर लेंगे फिफ्थ पे आ जाओ, छोड़ो, 35th सम मैं करवा रहा हूं। एंड एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट ए कॉन्स्टेंट हाइट विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड दी हुई है एरोप्लेन की, एयरक्राफ्ट की, कितनी? 360 किलोमीटर पर आवर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एट एन इंस्टेंट इज 45 डिग्री। ग्राउंड से किसी पॉइंट से इसको देखा, एलिवेशन कितना था? 45 डिग्री था। आफ्टर 20 सेकेंड्स एंगल बिकम 30, क्यों? देखो आफ्टर 20 सेकेंड 30 एंगल हुआ ना, तो इस तरफ जाएगा ना एयरक्राफ्ट, कॉन्स्टेंट हाइट पे उड़ रहा है, यहां पहुंच गया 20 सेकेंड्स में, यहां से देखा तो जो एंगल था वो 30 डिग्री हो गया। डिटरमिन द हाइट एट विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। ये AE डिस्टेंस कवर किया 20 सेकेंड्स में, तो पौरुष AE फाइंड कर सकते हो, यस सर, AE की लेंथ कैसे? यस सर, सर 360 × 20 अपॉन 3600। नहीं,
बात नहीं बनी। अच्छा सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बेटा, थ्री हाँ ओके सर। सिक्सटी इंटू 1000 मीटर में हो गया अपॉन 3600, ये डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, फाइव बाय 18, 18 2 जा 2 जा 4 5 जा 20, 2000, 2000 मीटर कवर किया 20 सेकेंड, ये भी 2000 हो जाएगा नीचे। यस सर। इसको एक्स ले लो, ये भी एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, वाई लेट कर लिया, कितना आ गया 2000 प्लस वाई, सेम क्वेश्चन बन गया। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिख रही है, कौन यस सर। कौन सी, सर BDE और BCA। एक एंगल 90 ACB एंड EDB, दोनों में कॉमन साइड नहीं है, सर नहीं है सर बट इक्वल तो है, एक को लेके कर सकते इक्वल हैं। है यस यार, सर कॉमन और इक्वल में डिफरेंस होता है। फरुश, कॉमन कौन सी है यहाँ पे बता, सर कॉमन तो कॉमन नहीं है फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, कॉमन सर। नहीं है बट इक्वल तो है, क्या यस सर एक्स, AC&D। एक्स एक्स ही लिख दिया, जब एक्स बोल दो बस, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन 2000 प्लस वाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगा। अब बस ये, इसमें यही यस डिफरेंस था कि डिस्टेंस जो फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस वो ऐसे फाइंड करना है, स्पीड दी हुई है एयरक्राफ्ट की, टाइम दिया हुआ है कि 20 सेकेंड में यहां से यहां तक पहुंच गया, समझ गए, कर यस सर लोगे। यस सर। एक्स एंड वाई तो इक्वल होगा ना, हाँ, एक्स और वाई इक्वल आ जाएगा, होगा नहीं, आ उसका जाएगा, हाँ आ जाएगा। ठीक है। आइसक्रीम खा के आई थी अकेले अकेले, गला खराब कर दिया फिर से, खराब नहीं सर, नहीं है खराब, है। नहीं है, आवाज आ रही है मेरे सिर्फ को पता नहीं चलता, मैं हर रोज ही आवाज सुनता हूँ तेरी। सर, आज एक्चुअली दूसरा है, ईयरफोन लगाया है ना इसलिए, अच्छा, इसलिए हो कितने रहा है। कितने का तेरे पास ईयरफोन? तो ये तो ईयरपॉड्स है, अभी लाई अच्छा थी ये। हाँ इसलिए। जी, एक्शन, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना बेटा, एक्शन ओके सर। में बताइए बच्चे, नीव डाउट यस बोल अपना, पेज सर नंबर वो बोल। पेज नंबर भी देता है ढंग से सर। 7575 सेवन चैप्टर फाइव 7-5 हाँ 7-5 हाँ चैप्टर 7 का 5 नंबर पेज, बता कौन सा यस क्वेश्चन, सर। 15 का एक करा दीजिए बस। कौन सा करवाऊँ, तू बता, वो करवा दे। सर सेकंड वाला सबसे पहले पॉलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लेंगे हम, क्या यस सर। गिवन है हमें, एक्स क्यूब प्लस सेवन प्लस एक्स सेवन एक्स स्क्वायर स्क्वायर -21x -27। हमने जो लास्ट नंबर है ना उसके फैक्टर्स बनाओ, फैक्टर्स ऑफ 27 आर, वन थ्री +-1, +-3, +-9, +-27। 27 अब रफ वर्क में सबसे पहले 1 फिल करके देखो, इसमें 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, सर। -1 फिल करके देखो, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं, -1 +7 +21 -27, 28, 28 हो गया। तो यस वो मतलब रफ वर्क में चेक करना, सिर्फ वही वाली वैल्यू ट्राई करनी, ओके सर। -1 ट्राई किया, पी -1, -1 +7 +21 माइनस, मैंने शॉर्टकट मार दिया, 0 आ जाएगा। यस विच वन इज द फैक्टर, सर। सर -1 एक्स -1 एक्स +1 उस साइड जाएगा तो प्लस हो यस जाएगा, सर। इज अ फैक्टर। तो सर वो एक्स क्यूब लिखा जो 3 फैक्टर नहीं हो सकते। हो सकते हैं बेटा, हम एक तो ऐसे फाइंड करेंगे, बाकी हम डिवाइड करके करेंगे ना ऐसे, ठीक ओके है। एक्स को किससे करें, एक्स स्क्वायर, दोनों से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड तो करना आता है, यस सर। सर वो पूरे चैप्टर कर लिए तो बस यही नहीं समझ आ रहा था ना। एक्स से करो, और 6x, सॉरी 6x स्क्वायर प्लस 6x यस सर।
-27x -27 -27 से करेंगे -27x -27, तो पी एक्स इसके इक्वल आ गया डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27, एक्स प्लस 1 27 के फैक्टर जिनको माइनस करें तो 6 आए, 9 and 3 9 and 3, एक्स प्लस 1 एक्स कॉमन, एक्स प्लस 9 एक आ जाएगा, एक एक्स माइनस 3 आ गया, शॉर्टकट मार दिया मैंने, ओके सर। हो गया ठीक है। एंड सर सर 13th वाले सम में पूरा तो सॉल्व कर लिया, बट उसमें लिखे हैंस फाइंड द रिमेनिंग फैक्टर। जो ए और बी की वैल्यूज आ गई बच्चे यस सर, वो निकाल ली, वो इसमें फिल कर दो, वो फिल कर ली थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ओके सर। जो ये फिल करके आया उसे डिवाइड कर दो, जो आएगा मल्टीप्लाई करके तो यस सर। तीसरा फैक्टर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ठीक ओके सर। सर है। वो जो तीसरा फैक्टर है तो उसको फैक्टराइज करना होगा। तीसरा फैक्टर को फैक्टराइज कैसे कर लेगा, दो फैक्टर तो ऑलरेडी दिए हैं, बात नहीं समझा तू। मान लो ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 आ गई, या हम देख ही लेते हैं यहाँ पे क्या आंसर दिया है इन्होंने 13th का, सर -6 एंड -8। -6 एंड -8 पॉलोमियल जो बन जाएगा बेटा वो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, यस सर। दो जो फैक्टर्स हमें दिए हैं वो क्या है, x-2 एंड x+1 है ना, यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, x2 -x -2 आ जाएगा, अच्छा सर, इससे करना है डिवाइड। हाँ इन दोनों के मल्टीप्लाई से, तो ओके सर। एक ही फैक्टर आएगा ना, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ - x² - 2x, 4 आएगा सर। 4x² - 4x + -8 + 4 फोर कॉमन, 4x² - 4x - 8, ये इसके फैक्टर तो ऑलरेडी ये दो थे, दिस सर। इनटू दिस इनटू दिस इज द फैक्टराइजेशन, ओके सर। दो दिस इनटू दिस हो जाएगा, क्यों यार फिर से इसकी मिडिल टर्म कर दो यही बनेगा। ओके सर। थैंक यू सर। और बताओ कुछ सर नहीं जी, हाई डिस्टेंस सर, मेरा रेशियो प्रोपोर्शन से एक डाउट था सर, कौन सी बुक बोलो, एम एल अग्रवाल, एक मिनट निका तेरा बाद में करवाता हूँ बच्चे, बोलो सर मैं क्वेश्चन भेज दूँ, भेज दे, एक सेकंड सर भेज दूँ। सर भेज दिया, इतना बड़ा क्या लिखा है तूने, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द सम सिंस। सर वो इंशा को भेजा था ना मैंने, माशा को, तो इसी वजह से उसने सॉल्व नहीं कर पाया, तो वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, तो उस मैसेज के साथ फॉरवर्ड हो गया वो। अच्छा, एबीसीडी आर इन प्रोपोर्शन, प्रूव दैट दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, एबीसीडी हमें प्रोपोर्शन में दिए हैं ना बच्चे, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी ना, यस सर, यही होगा, यस सर, और जो प्रूव करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला पार्ट ही ना, यस सर, पहले वाला 5a+7b इंटू 2c-3d, 5c+7d इंटू 2a-3d, ये प्रूफ करना है। ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, ये क्या करें हम, व्हाट वी कैन डू, हम के लेट कर सकते हैं, सर क्या लिखे लेट, क्यों लिखे लेट कर, के लेट करके कैसे होगा, जैसे मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो देखी थी तो आपने कहा था कि a/b और c/d इज इक्वल टू k करके कर सकते हैं, कर सकते हैं, एक मिनट कुछ और सोच रहा हूं मैं, एक काम करो दोनों साइड्स को 5/7 से मल्टीप्लाई करो,
हो गया। सिर्फ कंपोनेंट क्या लगाओ? कंपोनेंट डिविडेंड। हो, कंपोनेंट हो लगाओ अकेला। कंपोनेंट पता है समृद्धि क्या होता है? फाइव यस सर, ए प्लस सेवन बी हाँ अपॉन सेवन बी, यस सर, 5c प्लस 70 अपॉन अपॉन, सेवन, यही होगा। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट अप्लाई करो। 5a प्लस 7b अपॉन 5c प्लस 7d किसके इक्वल आ गया? 7p अपॉन 7d के इक्वल आ गया। सेवन यस से सर, सेवन कट गया, इक्वेशन वन आ गई। आ गई। यस सर, अब इसको फिर से उठाओ। हाय 2.3 से मल्टीप्लाई। हाय, 2/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है। यस सर, ठीक सॉरी, पहले कंपोनेंटो लगाओ। केला 2a प्लस 3b अपॉन 3b, नहीं डिविडेंडो लगाना है। सर, डिविडेंडो 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 डिविडेंडो, देखा नहीं था मैंने, गलती सुधर माइनस। गई, तो ये बोलने से पहले कर दिया था। फिर से अल्टरनेंडो। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? फ्रॉम फर्स्ट एंड वन सेकेंड एंड यू गेट द आंसर। ये आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा बच्चे, यही यस सर, करना था। ले यस सर, बस एक सर मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ उसका। ले, क्या लेगी? सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर हाँ, सर वही रेशियो प्रपोर्शन में, वो ये कंटिन्यू प्रपोर्शन वाले करा देंगे। वो कहाँ सी था जब सिक्स करवाया था सी मैंने? सर, वो कराए थे उस समय, फिर कंफ्यूज हो गया इसमें। कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी दूसरी बुक्स में से भी पेंडिंग है बेटा, वो सारे आ जाएंगे। एक तो सर टेस्ट आने वाले ना, इसीलिए मैं सोचा था करा बार लूँ। रेशियो प्रपोर्शन करवा दीजिए, ऐसे कैसे करवा दूँ? है पौरुष, इसमें प्रूविंग है थोड़ी। नहीं हो नहीं रहे हो, तू कहाँ था उस टाइम? भाग गया था ना तू, पैसे सर, बचा रहा था ना घर वालों को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करवा दूंगा किचन में। करते और सर सर टेस्ट कब हैं लेंगे? टेस्ट अभी, कंटिन्यू तो करने, पहले क्लास तो क्या? मेरा कंटिन्यू डाउट होनी शुरू हो जाए। हाँ निका, मैं आपको भेज दो। भेज दे। हाँ भेजते सर, सर हैं। हाँ वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ना, वो जो प्रॉब्लम वाले सम्स है ना, उसमें ना थोड़े से वो जो इक्वेशन फॉर्मिंग है ना, वो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बनाने में। बच्चे धीरे धीरे होगी ना। चलो सर मैंने भी एक भेजा है। एक सर्कल है, 15 सेंटीमीटर उसका रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है अनिका? 15 सेंटीमीटर। कॉर्ड ए बी सबटेंड एन एंगल 120 131 डिग्री एट द सेंटर। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। यस सर। रेडियाई कॉमन 90 आरएचएस से, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा ना। 131 का हाफ कर लो, 65.5, यही होगा। सर, अब मुझे ये बता, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व
ए एम फाइंड कर एम सकती है, सर, ओ एम फाइंड हो सकता है, यस सर, और सर ए एम का डबल कर देना ए भी आ जाएगा, और डिस्टेंस फाइंड करना था ठीक वो भी आ गया। है। तो मुझे इसी का डाउट था, ये सबटेंजेंट एंगल इसका मतलब। सबटेंड मतलब मेक्स कॉर्ड ए बी सेंटर पे सबटेंड कर रही है एंगल। सेंटर से, अच्छा सर 9th में किया था उसमें थ्योरम्स, इक्वल कॉर्ड सबटेंड ऐसा इक्वल नहीं एंगल था। सेट, इक्वल कॉर्ड थ्योरम वो की बात कर रहा हूँ मैं 9th में, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल सेट द हाँ सेंटर, सर ये तो था। फिर वही हुआ कॉर्ड सबटेंड एंगल, सबटेंड मतलब मेक्स अच्छा ये पूरा एंगल 131। अनिका तेरे से उम्मीद नहीं सर, थी तू ऐसा क्वेश्चन पूछेगी मेरे से, है अनिका पढ़ना छोड़ दिया मुझे तूने? मैं बस 131 का वो डाउट आ रहा था, क्या बाकी कह रहा कुछ हूँ, नहीं। पढ़ना छोड़ दिया तूने? छोड़ नो सर, दिया पक्का? मैं जा नो तो सर, या मैथ ज्यादा आने लग गया तेरे को? नो सर। चलो पौरुष का डाउट, और माशा अभी आ रही है, नहीं आने दो उसको। माशा गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग, सो गई थी? नहीं सर, बाहर गई थी इतनी रात को कौन बाहर जाता है? अच्छा सर, शाम में गई थी, सॉरी सर। ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, यही होगा बच्चे। यस सर, और हमें प्रूफ क्या करना है? गंदा समय यार, आता नहीं है मुझे। ओ ये प्रूफ करना है, किसी को आता है ये? मेरे को तो आता नहीं। सर ये एस्टर में फोर्थ का फर्स्ट वाला है, कंटिन्यू का क्वेश्चन हाँ कॉन्टिन्यूटी है ये देखो, कॉन्टिन्यूट लिया। कहीं सर, ये भी मेरे डाउट में था। सर बताइए बेटा एनीवन। ये ए अपॉन बी पर टू बी अपॉन सी पर टू सी अपॉन डी को के लेट कर इक्वल टू, चलो कर लिया, ए की वैल्यू बी के आ जाएगी, बी यस सर, की बी वैल्यू के सी के सी आ के सी जाएगी, डी की वैल्यू डी की के, वैल्यू डी के आ जाएगी। अब क्या करें? तो सबकी वैल्यूज डी में ले लें। सर बी की वैल्यू यहाँ फिल करो, या पहले सी की वैल्यू यहाँ फिल करो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर। बी की वैल्यू यहाँ पे फिल करो, डी के डी क्यूब, के क्यूब। बस फिर यहाँ फिल करो, लेफ्ट हैंड साइड में फिल कर दो, डी के प्लेस पे डी के स्क्वायर माइनस डी के, प्लस सी के प्लेस पे डी के माइनस डी के क्यूब स्क्वायर स्क्वायर, प्लस डी के प्ले डी के डी रहेगा बी के प्लेस पे डी के स्क्वायर। डी के क्या चीज कॉमन है? डी के कॉमन बच्चे, व्हाट इज लेफ्ट? सर डी के ऐसा के के माइनस वन होल स्क्वायर ऊपर, यहां से क्या कॉमन? डी के कॉमन, सर, डी व्हाट इज लेफ्ट? के 1 माइनस डी के स्क्वायर, ओ के स्क्वायर, यहाँ कुछ गड़बड़ की है, यहाँ गड़बड़ की है, बी माइनस सी था ना, ठीक है। यहां से बच्चे डी कॉमन 1 माइनस के स्क्वायर, सर नहीं 1 माइनस के का के स्क्वायर आना चाहिए, बी माइनस सी ही है ना क्वेश्चन में। एक मिनट यार, -C होल स्क्वायर। डी माइनस ए होल स्क्वायर, डी माइनस बी होल स्क्वायर,
चलो कोई बात नहीं, डी स्क्वायर के स्क्वायर के माइनस वन का होल स्क्वायर, यहां से बच्चे डी स्क्वायर के स्क्वायर, 1 प्लस के 1 माइनस के होल स्क्वायर। ये समझ आया कैसे किया? 1 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर हो गए ना। 1 प्लस के 1 माइनस के होल स्क्वायर। अब इसको भी तो मैं 1 माइनस के स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि तो स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, क्या पड़ेगा? इसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे तो भी वही बनेगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तब सर, भी वही बनेगा। मैंने क्यों किया ये कि मेरे पास 1 माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन आ जाए। इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन है? एक तो डी स्क्वायर कॉमन है, सर 1 माइनस के होल स्क्वायर। क्या, और 1 माइनस के का होल स्क्वायर कॉमन है। यहां से के स्क्वायर बच गया, यहां यस से डी सर, स्क्वायर चला गया, ये चला गया के स्क्वायर, और ये बच गया प्लस के स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बच गया। 1 प्लस के स्क्वायर, यहां से डी स्क्वायर चला गया, ये चला गया, सिर्फ ये बच गया वन प्लस प्लस वन के प्लस होल के का स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे भी तो 1 प्लस के का होल स्क्वायर ही है यार। ठीक है, इसको यस सर। सॉल्व कर लोगे के की फॉर्म में। ऐसे ही राइट हैंड साइड में डी को डी रहने दो, ए की प्लेस पे डी के क्यूब आ जाएगा का स्क्वायर। डी कॉमन, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कहने का मतलब 1 माइनस के क्यूब का स्क्वायर जी होगा। डी स्क्वायर आ चुका, 1 माइनस के का होल स्क्वायर आ चुका। इसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, दिमाग खराब कर दिया इसने। सभी सब में ऐसा ही बस करना है तो टाइम खराब कर दिया यार ये। नहीं, सर, टेस्ट में आएंगे? आज तक तो कभी आया नहीं। नहीं सर, वो 30 मार्क्स से पेपर में अगर आ गया तो टाइम ले लेंगे ना। कोई बात नहीं, सब फिर सबके लिए प्रॉब्लम होगी, तेरे अकेले के लिए नहीं होगी, समझे? नहीं तो सर, घर में तो तब भी बताना पड़ेगा ना प्रॉब्लम। इसको क्या करेंगे, ओपन ही कर लो यार। 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के डी स्क्वायर 1 माइनस के का स्क्वायर। यहां से बच्चे k² + k² + k² + 2k³ + 1 + k² + 2k डी स्क्वायर 1 माइनस के का होल स्क्वायर, k² 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 3k² + k² + 2k³ + 2k + 1। बन नहीं रहा यार, कुछ गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है ये देखो। अब मेरे तो नहीं समझ आ रहा भाई, उस टाइम भी यही प्रॉब्लम आई थी कुछ। सर इक्वल टू में a-d होल स्क्वायर। डी माइनस ए या ए माइनस डी से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अरे नहीं सर, इक्वल टू में वो d-a लिखा ना। डी माइनस ए ही दिया हुआ है, वो नहीं सर, इस बुक में तो a-d दिया हुआ था। एक ही बात है यार, स्क्वायर है, स्क्वायर से ओ कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, चाहे ए माइनस डी हो चाहे डी माइनस ए हो। ठीक रहने दे यार, क्यों दिमाग खराब किया है, छोड़ो। कल मिलते हैं बच्चे। हाँ सर, सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रिवीजन।
करवा देंगे, क्यों टेंशन ली है। हाँ जी हाँ, एस चंद्र से करवा दूं? पहले सर हाँ सर, एस चंद्र से तो किया था, नो सर, एशन से नहीं एम एल किया, अग्रवाल से किया था सर। एस चंद्र से करना, एस चंद्र से कर लेंगे, यस सर, कल कल शुरू कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर। सर सुबह तो सुबह सर रहने दो, सुबह नो नो, रात को कर शाम लिए, को ही करेंगे। हाँ ओके सर। जी, तो जीएसटी का रिवीजन करा दीजिएगा। मैं 10th ही सारी फिर से करवा देता हूँ नेक्स्ट ईयर तेरे को। सर जी, सर मेरा सर नेक्स्ट मंथ से मेरा टेस्ट है ना। फिर वही कह रहा हूँ, 10th फिर से कर लेना नेक्स्ट ईयर, रिवीजन सारी हो जाएगी। जी अरे लग पता है क्या गया, होता है बच्चे, तीन तीन बुक्स में से मैं वो चैप्टर करवा चुका हूँ आपको, हाँ आप ये खुद सर, रिवीजन करो, जो डाउट्स हैं वो पूछो, समझे। ओके सर। सर ये कल थोड़ा है क्लास कि मैं, शुरू होगी शाम हाँ कि होगी, तुम्हारा टेस्ट है, एक जने का आराध्या का टेस्ट है, मैं फर्स्ट चैप्टर करवा देता हूँ, ठीक है। अल्फिशा का टेस्ट है, वो कह देगी सेकंड चैप्टर करवा दो। हरोश का टेस्ट है, वो कहेगा तीसरा चैप्टर करवा दो। तो मैं ऐसे ही करता हूँ कि बाकी सिलेबस तो मैं छोड़ ही देता हूँ, पहले यही करवा देता हूँ रिविजन तीन चार बार। नहीं आराध्या नहीं सर, खुद सोचो बच्चे, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री सारी पढ़ी है, मैं पहले बोल रहा हूँ उस पर टाइम बहुत लगेगा, सर्कल चैप्टर दिमाग खा जाएगा, और ट्राइंगल्स सर एस्टिमेट 1 महीना, कैसे, एक तो मतलब 3 चैप्टर है ना ज्योमेट्री के। सर महीने में हो जाए बहुत है, समझे। क्योंकि यस सर, मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 4 इयर्स का, मुझे पता है कि वो कैसे करवाना है। मैं अगर मैं ये सोचू ना कि नवंबर में जाके करवा दूंगा तुम्हें, तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद प्री बोर्ड, कभी कुछ कोई प्री बोर्ड आ गया, कभी कोई प्री बोर्ड आ गया, स्कूल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। मतलब अभी ये चलो सिलेक्शन प्रपोजिशन करवा के मैं आपको वो शुरू करवाऊंगा, ठीक है। ज्योमेट्री ओके सर, ठीक है हमारे सर। चैप्टर, एक मिनट मुझे देख तो लेने दो कौन कौन से रह गए यार। नहीं पहले अब वो करेंगे इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, वो चैप्टर भी अच्छा है, करने वाला है, समझने वाला है, मतलब सर ये कौन सा चैप्टर सेक्शन है सर? फॉर्मूला के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चे। ओ सर हम लोग ओके सर, 11 चैप्टर हो गए ना। हमारे ज्यादा ही हो गए होंगे, फर्स्ट थ्री हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ सिक्स्थ हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मैट्रिसेस हो गया, एपीजीपी हो गया, सेक्शन फॉर्मूला हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के तीनों चैप्टर्स हो गए। सर ट्रिग्नोमेट्री के 2 ही चैप्टर है ना, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट। तीन है वैसे तुम्हारी बुक में, दो हैं एमएलए में, तीन भी हुए हैं, तो वो सब बाद वो में कट उनके भी करवा और दिए होंगे, गए कुछ सर। नहीं कट हुआ यार। सर हमारे स्कूल में उसमें 19 चैप्टर कट करवा दिया गया है। कोई बात नहीं, हमने तो कर उसमें से तो कर ही लिया, सलीना में से किया था ना। तो सर ये चलो वाला तो नहीं किया कल था। कल मिलते हैं, अभी सोने दो मुझे जाके। ओके सर, ओके बाय बाय सर। बाय बाय सर। सर।